नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बिहारीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भी एनडीए के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद नहीं करने वाले अब लोगों से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि नीतीश कुमार ने वादा किया था वो युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे और बिहार की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे नहीं निभाए। आज जब चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार से युवा उनके वादे पर सवाल पूछते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें भगाया जाता है और पीटा जाता है। राहुल ने कहा कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री से जब युवा पूछते हैं कि उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया गया तो नीतीश जी उन्हें धमकाते हैं। जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा के बिहारीगंज से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुभाषिनी के लिए वोट मांगे और शरद यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता से काफी कुछ सीखा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहा ताली बजाओ थाली बजाओ। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन की लाइट जलवाई और 22 दिन में कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होने की बात कही, लेकिन कोरोना फैलता जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर जा रहे थे तब नीतीश जी और मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अमीरों के नेता हैं, वो गरीबों के नेता नहीं हैं। वो गरीबों की जेब से पैसा निकाल अमीरों को देते हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह मधेपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को बदल दूंगा, लेकिन क्या बिहार बदला? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई चेतावनी दिए लॉकडाउन लागू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे नोटबंदी लागू की गई वैसे ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया और देश भर के मजदूरों को इस दौरान भूखे प्यासे पैदल बिहार आना पड़ा। कांग्रेस नेता ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए कानून किसानों को खत्म करने वाले हैं। राहुल ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने किसान को आजाद किया कि वो अपना मक्का धान देश में कहीं भी जाकर बेच सकता है, लेकिन किसान बेचेगा कैसे, बिहार में सड़क कहाँ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार बिचौलियों के रूप में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।